अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। ओके जी, आज मैंने मज़े से खा जो है वो नाश्ता किया था, सेवियाँ उबाली थी और शक्कर डाल के, बहुत ही मज़ा आता है इन सेवियों का। उसके बाद मैंने खाना बनाया, मूँगी की दाल ली थोड़ी सी और उसमें थोड़ी सी डाली चने की दाल। इनको प्रेशर लगाया तकरीबन 20 मिनट के लिए, थोड़ा सा नमक डाल के। बहुत ही ये मज़े की रेसिपी है, मैं आपको इसकी कम्प्लीट रेसिपी दिखाती हूँ, आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। थोड़ी डिफरेंट सी दाल बनती है नान के साथ या खमीरी रोटी के साथ, इसका बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक जो है प्याज लिया है उसको ऐसे बारीक सा काटा हुआ है, एक लहसुन की गट्ठी लेके उसको कूटा है, थोड़ा सा अदरक लेके उसको कूटा है, नमक मिर्च सूखा धनिया दादा मिर्च और साबुत गर्म मसाले थोड़े से यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर 2 से 3 तकरीबन मैंने बीफ के और 2 से 3 पीस चिकन के लिए थे, और साथ में ये शान का जो है हलीम मसाला लिया था। अच्छा, ये हलीम तो नहीं है लेकिन ये जो दाल है इसमें हलीम मसाला डलता है, और ये गोश्त वगैरह डल के जब इसको बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको भी ये पसंद आएगी। तो सबसे पहले प्याज को जो मैंने हल्का सा सॉटे करना है, ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सॉटे होगा तो इसमें जो है चिकन और बीफ ऐड कर देंगे। इसको डाल के 2 मिनट ऐसे हल्का सा इनको मिक्स करेंगे, इनका कलर चेंज हो जाए सिर्फ इतना सा। और उसके बाद जो है इसमें मैं गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी, जिंजर पेस्ट ऐड कर दूंगी। दोनों पेस्ट ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट तक हम मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने मूंगी की दाल ली है, अगर आपके पास मसूर की दाल हो तो आप मूंगी की दाल स्किप करके वो यूज़ करें, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मेरे पास थी नहीं घर पर तो इसलिए फिर मेरे पास जो थी मैंने उसी से बना लिया। तो अगर आपके पास जो है मसूर की जो दाल होती है वो हो तो आप लोग वो लाजमी यूज़ कीजिएगा। तो ये जी 2 मिनट इसको मिक्स किया, उसके बाद इसमें तमाम मसाले जो हैं साबित भी और पिसे हुए सारे मिक्स कर दिए हैं। 2 मिनट तक इसको हम भूनेंगे और उसके बाद जो है इसको हम पकाएंगे पानी डाल के। अच्छा, अगर आप प्रेशर करना चाहें तो प्रेशर कर ले ताकि जल्दी काम हो जाए, तो मुझे टाइम था मेरे पास तो मैंने फिर इसी तरह से इसको कुक कर लिया था। तो इसमें ज़्यादा सा पानी डाल के इसको छोड़ दिया तकरीबन 1 घंटे के लिए, क्योंकि जो है गोश्त हमने अच्छे से गलाना है। तो ये देखें, हमारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, गोश्त जो है वो गल चुका है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसको मैंने चट्टू बट्टे में डाल के फटाफट कूट लिया था, तो अच्छे से जो है वो चिकन और बीफ जो है वो श्रेड हो चुके थे। तो आप वैसे भी श्रेड कर लें लेकिन इस तरह ज़रा इजीली जल्दी जल्दी हो जाता है और अच्छे से हो जाता है। तो अब इसको अच्छे से भूनेंगे, इसने घी छोड़ा है तो इसके साथ ही मैंने इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच जो है वो हलीम मसाला डाल दिया, बहुत ही मज़े की खुशबू और टेस्ट आता है इसके साथ। ये देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें दालें डाल देंगे, दोनों दालें डाल के इसको अच्छे से आप जो है वो घोट लें इसको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। अगर आपके पास बीटर है तो थोड़ा सा बीट कर लें, हैंडी बीटर जो होता है उससे, नहीं तो ये मेरे पास नहीं था तो मैंने इसी तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। बहुत ही मज़े की दाल बनी थी। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा कोरियर आया था, मैंने एक ड्रेस ऑर्डर किया हुआ था तो वो मुझे रिसीव हुआ है आज। बहुत ही मज़े का ड्रेस है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ कि ये कैसा है स्टिचिंग में, देखने में ऑनलाइन तो बहुत अच्छा लग रहा था तो इस तरह से भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, इसका कलर रेड कलर में मैंने ये जो है ऑर्डर किया था। स्टिचिंग इसकी बहुत अच्छी है, फ्लैट 50% इनके पेज पर जो है वो ऑफ चल रहा है, तो मैं आपके साथ इनका इसका जो है वो लिंक भी शेयर कर देती हूँ। एम्ब्रॉयडरी देखें आप, इसकी बहुत नीट हुई हुई है, मतलब बहुत ज़बरदस्त सा ये कुर्ता है, पॉकेट स्टाइल में बना हुआ है। और ये देखिए, इसके गले की डिटेलिंग कितनी ज़बरदस्त सी है, स्टिचिंग भी इसकी बहुत जो है वो नाइस हुई हुई है, बिल्कुल रफ़ स्टिचिंग नहीं है, नीट है। ये देखिए, इसके पैच लगे हुए हैं बाजू पे और आगे लेस लगी हुई है। तो इसका जो मैं लिंक आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोग भी विज़िट करें। और फ्लैट 50% इनका अभी तक चल रहा है, तो स्टफ़ जो है इनका जो है वो मीडियम स्टफ़ है जो नॉर्मल जो वेदर में यूज़ होता है। तो बहरहाल, उसके बाद फिर शाम को हमारा ऐसे ही बैठे बैठे प्लान बना के बाहर चलते हैं, तो फिर हम लोग बाहर चले गए। यहाँ पे हमने मैकडोनल्ड्स खाया था और उसके बाद जो है मैंने इनकी आइसक्रीम ट्राई की। इनकी आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है, डबल फ्लेवर में जो मैंने ऑर्डर की थी चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, तो बहुत ही मज़े की थी। आप लोग भी जाएँ और ट्राई करें इनकी आइसक्रीम, जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपनी चीज़ें लेनी थी तो हम लोग स्टोर पर चले गए, इसके साथ ही स्टोर था, वहाँ से मैंने अपनी 1-2 चीज़ें ली जो मुझे चाहिए थी और उसके बाद फिर हम घर आ गए। तो उम्मीद है मुझे आपको जो मेरा व्लॉग है आज का वो पसंद आया होगा। और दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।